राधे राधे एवरीवन। तो चलिए हम बनाते हैं आज बहुत ही क्रिस्पी और फुले फुले आलू के पकौड़े। तो ये हमने दो आलू ले लिए हैं, इसको हम छील के कट कर लेंगे। आलू को हमने छील लिया है, इसको हम ये ग्रेटर से काटेंगे, जैसे चिप्स जैसे हम काटते हैं ना आलू के, वैसे ही इसको हमको काटना है। इससे हमारे जो है पतले पतले बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। इसे हम सारे आलू काट लेंगे। ये हमने सारे आलूओं को पतले पतले काट लिए हैं, इसको हम पानी में डाल देंगे। ये हमारे आलू बहुत ही पतले कटे हुए हैं, देखिए। इसको हम पानी से, दो तीन पानी से धुल देंगे। इसको हम आलूओं को पानी में ही रखेंगे, नहीं तो हमारे आलू काले पड़ जाएंगे। ये छोटे छोटे स्लाइस है, इसको हम हटा देंगे अलग। इसके जितने भी स्टार्च हैं, जो वाइट वाइट पानी में दिख रहा है, वो सब हमको निकाल लेना है अच्छे से। ये हम पानी से धुल लिए हैं आलू, अब इसको हम तौलिए पे फैला देंगे। आलूओं को ड्राई कर लेना है पोंछ पोंछ के। तो सभी आलूओं को हम अच्छे से तौलिए से ऐसे करके पोंछ लेंगे। और थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे, ताकि जितना भी पानी हो ये तौलिया अब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 बड़े चम्मच बेसन ले लेंगे। 2 आलू हैं तो 2 बड़े चम्मच हम बेसन ले लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार ले लें, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच ही हम जवाइन मंगरेल ले लेंगे। इसको हम हाथ से क्रश करके और अच्छे से डालेंगे। और 2-3 पिंच हींग डाल देंगे। हींग आप ज़रूर डालें, आलू पकौड़ों में हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। पकौड़ा हमारा दिखने में सुंदर लगे, इसके लिए हम 1/2 चम्मच ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और हमारा आलू पकौड़ा देखने में सुंदर लगे, इसके लिए हम ये धनिया का पत्ती डाल देंगे, हरे धनिया की पत्ती। इससे टेस्ट भी बढ़िया लगता है। और क्रिस्पी होने के लिए हम ये थोड़े से 1-2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इससे हमारा पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम अच्छे से कांटे की सहायता से, ये फोक की सहायता से। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसका बैटर थिक ना, थिक ज़्यादा ना पतला। अब हम विस्कल की सहायता से बढ़िया से इसको फेंट लेंगे। अभी हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। तो ये हमारा पकौड़े के लिए घोल तैयार हो गया। ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। इसी स्टेज पे हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो बैटर हमारा 10 मिनट हो गया है। ये देखिए, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला, चम्मच से गिराने पे तुरंत गिर जा रहा है। अब इससे ना हम गाढ़ा करेंगे और इससे ना हम पतला करेंगे। ये परफेक्ट बैटर है आलू पकौड़ा बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और आलू देखिए, आलू भी हमारे बिल्कुल सूख चुके हैं, काले भी नहीं पड़े हैं। अब हम एक एक आलू के स्लाइस लेके और ये बैटर में डिप करके इसको अच्छे से ऐसे करके और जितना भी एक्स्ट्रा बेसन है उसको निकाल देंगे और एक एक स्लाइस को ऐसे डालते जाएंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए कितने फूले फूले बने हैं पकौड़े।
इसी स्टेज में हम पकौड़े को निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बने हैं आलू के। इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना ना भूलें। घोल बनाते समय 2 चम्मच तेल ज़रूर डालें। तो हम दूसरे बैच को भी इसी तरह डाल देंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है गाइस। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो गाइस लीजिए, हमारे बहुत ही क्रिस्पी और फुले फुले पकौड़े बनके रेडी हो गए। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो गाइस इस तरह आप लोग बनाएं और खाएं, और हमें अपने कमेंट में बताएं कि कैसे बने हैं मेरे पकौड़े आलू के। इसको हम हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। धन्यवाद।